Hello and welcome everyone to class 8th computer class. Today in this video we are going to cover chapter 4th of a book, that is search engines and browsers, page number 33. So in this video we will learn about what is computer and network. Okay, so let's get started. So firstly, computer network kya hai iske bare mein hum samjhenge. तो कंप्यूटर नेटवर्क समझने से पहले अगर हम नेटवर्क समझ लें तो जिसका नेटवर्क रहेगा उसका नाम पड़ जाता है. सपोज दैट कंप्यूटर का एक नेटवर्क है तो उसको कंप्यूटर नेटवर्क कहेंगे. किसी और चीज़ का नेटवर्क है तो उस पर्टिकुलर नाम का नेटवर्क कहा जाता है. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे लिए क्या है कि हम समझें कि नेटवर्क क्या होता है. तो अगर सोचिए कि कंप्यूटर को एज अ मशीन, जो आपके घर पे पीसी है जिसमें कि नेट कनेक्शन नहीं लगा हुआ है, सिंपल एक कंप्यूटर है, तो उसका यूज़ आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं. उसका लिमिटेड यूज़ है और उसका यूज़ आप बस अपने पर्सनल लेवल तक कर सकते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आप कोई चीज़ को टाइप कर सकते हैं, कोई एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, या फिर फोटोज़ वीडियोज़ को स्टोरेज करने का एक उसको माध्यम हो सकता है आपका, या फिर आप कोई मल्टीमीडिया चीज़ को आप प्ले कर सकते हैं उस कंप्यूटर पे. इसके अलावा पर्सनल यूज़ के अलावा आप उसको लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए उस पर्टिकुलर कंप्यूटर का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं. लेकिन अगर वही कंप्यूटर किसी एक नेटवर्क से जुड़ जाए, या आप कह सकें कि अगर उस कंप्यूटर के अंदर ऐसी क्षमता आ जाए, ऐसी चीज़ आ जाए कि वो लोगों से आप अपनी चीज़ों को शेयर कर सकें और लोगों से अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें उस कंप्यूटर के थ्रू, तो वो कंप्यूटर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा आपके लिए और आप घर बैठे ही बहुत सारी चीज़ें आराम से उस कंप्यूटर के थ्रू कर पाएंगे. तो ऐसे कंप्यूटर जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक जाल बनाए रहते हैं कंप्यूटर की आपस में जुड़ के, तो ऐसे कंप्यूटर के वेब को हम बोलते हैं क्या, नेटवर्क बोलते हैं, और उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क. तो सारे कंप्यूटर्स दुनिया के अगर जुड़े हुए हैं, मींस कोई भी इंफॉर्मेशन कोई किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकता है, क्योंकि सारे कंप्यूटर क्या हैं, अटैच्ड हैं. तो ये सारे कंप्यूटर को जोड़ने का या अटैच करने का जो नेटवर्क काम करता है, उसी नेटवर्क को हम बोलते हैं इंटरनेट. ओके, तो उस इंटरनेट के थ्रू क्या होता है कि जब भी आप कोई इंटरनेट कनेक्शन से अपने कंप्यूटर को अटैच करते हैं, एट द सेम टाइम वो कंप्यूटर थ्रू आउट द वर्ल्ड के कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है. सो नेटवर्क क्या है? नेटवर्क एक ऐसा वेब है जिसमें कि कई सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और उसी को हम बोलते हैं नेटवर्क. ओके नाउ, तो अब बात आती है इंटरनेट क्या है. जैसा कि मैंने बताया, इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है कंप्यूटर का, जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और इस नेटवर्क के थ्रू, इस नेटवर्क से बहुत मिलियंस ऑफ कंप्यूटर जो है वो अटैच्ड हैं, और इस नेटवर्क के थ्रू आप किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने कंप्यूटर से घर बैठे बैठे दुनिया के किसी कोने में किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, एज़ वेल एज़ कोई भी इंफॉर्मेशन आप दुनिया के किसी भी जगह से एक्सेस भी कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को पा भी सकते हैं. तो ये है क्या इंटरनेट. तो सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 1969 में, और ये शुरुआत हुई थी अमेरिका में, और एक नेटवर्क डेवलप किया गया था जिसका नाम था अर्पानेट. ओके, ये जो नेटवर्क था ये बहुत ब्रॉड नहीं था, बहुत छोटे एरिया के कंप्यूटर्स जो हैं इसमें कनेक्ट हुए थे, और ये फर्स्टली इन्वेंट हुआ था 1969 में. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट. तो अभी तक आपको मालूम हो गया कि इंटरनेट है क्या, आपको मालूम होगा कि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कि पूरे विश्व में फैला हुआ है, और इसी के थ्रू हम सारे कंप्यूटर्स को अटैच करके इंफॉर्मेशन एक्सेस और शेयर करते हैं. तो अब बात आती है कि अपने कंप्यूटर को हम इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कैसे करेंगे. तो अपने कंप्यूटर को इस ग्लोबल नेटवर्क से, इंटरनेट को ग्लोबल नेटवर्क भी कहा जाता है, तो अपने कंप्यूटर को इस ग्लोबल नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है
ISP की मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत पड़ती है। ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो है क्या, वो हमारी कंपनीज होती हैं, जैसे कि BSNL हो गया, एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, वोडाफोन हो गया, रिलायंस जियो हो गया। तो ये सारी जो कंपनीज हैं वो हमको क्या करती हैं, इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, और इनके कनेक्शन से हम अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट की सुविधा एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो कनेक्शंस होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि एक वायरलेस कनेक्शन होता है जिसको कि ऑलवेज ऑन कनेक्शन के नाम से भी जानते हैं, और इस कनेक्शन में मॉडम का इस्तेमाल होता है, और वो मॉडम करता क्या है, इंटरनेट के सिग्नल को कैच करता है और कैच करके दूसरे दूसरे डिवाइसेस पे वो सिग्नल्स को भेजता है। तो जो वायरलेस कनेक्शन है, इस कनेक्शन से फ़ायदा होता है कि आप किसी भी लोकेशन में बस उस पर्टिकुलर नेटवर्क कवरेज वाली रेंज में आप रहने चाहिए, तो आप उस रेंज के अंडर में किसी भी लोकेशन से आप नेट को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा होता है मोबाइल कनेक्शन, जो कि आप हर कोई इस्तेमाल करता है, जिसमें कि सेलफोन या फिर स्मार्टफोन के थ्रू जो है हम इंटरनेट की सर्विसेज को एक्सेस कर पाते हैं। उसी तरीके से और भी बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्शन होते हैं, डायल अप कनेक्शंस होते हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो फॉर टुडे वी आर एंडिंग विद दिस एंड वी विल डू द रेस्ट ऑफ द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।